नीतीश कुमार का सामने आता है और वही सी चेहरे के लिए आज वो जाने जा रहे हैं कि उन्होंने विकास की एक जो नई गाथा है वो तैयार की है, एक विकास की एक नई कहानी है बिहार के लिए वो उन्होंने लिखी है और कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो भी दर्ज होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे इतिहास को रचा है और जो बिहार मॉडल है वो बिहार मॉडल दूसरे देशों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी अनुकरणीय है कि देखिए हमने बिहार का मॉडल ये तैयार किया और इस मॉडल के जरिए हमने कोशिश की कि कैसे जो चीज़ें हैं वो रहेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है, वो पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करेंगे तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि इस कार्यक्रम को उन्होंने किया है और उस कार्यक्रम को लेकर के एक बड़ी जो तैयारी थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए यह पूरा जो कार्यक्रम है वो संभव हो पाया है। सर, आत्मविश्वास और उस विश्वास ने अविरल गंगा को यहाँ तक मोड़ के ला करके रख दिया है, क्या कहेंगे सर, सपना साकार हुआ है। ये आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा थी कि गंगा जल की आपूर्ति हर घर में, राजगीर, उसके बाद गया, बोध गया और बाद में नवादा, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन कल राजगीर का हो गया और आज गया और बोध गया का। ये जो स्थल है वो जो आ रहा है ना गंगा जल, उसको यहाँ तीन जगह उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक करके, और वही फिर एक जगह जाएगा और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में चला जाएगा। तो ये है इसी के लिए कि जब कई बार हम लोग देख चुके हैं कि कहीं से आएगा तो उसको एक एक चीज को देखिएगा। ऐतिहासिक और मोक्ष की धरती, एक इतिहास आपने भी रच दिया इस धरती के लिए सर। तो यह तो होना ही चाहिए था, अब जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में पानी के पीने में थोड़ा संकट आता है, गया वगैरह में सबको मालूम है, और उसके लिए हम लोग भेजते थे। तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे अच्छा होगा, अगर बेस्ट होगा कि हम लोग लोगों को गंगा जल पहुँचा दें, तो इसीलिए उन्होंने तय किया और उसके लिए पूरा काम किया गया है और बराबर देख ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कितना बार आ करके एक एक, अब कौन कौन साइट नहीं जा करके यहाँ पर क्या करना है, कितना दिन में करना है, अब हो गया है, आज मुझको खुशी। हम जानते हैं, हम जब तक कहा कि जब तक गया बोध गया वाला नहीं हो जाएगा तो हम शुरू ही नहीं करेंगे, तो जब गया बोध गया राजगीर वाला तैयार हो गया तो हमने कहा ना गया बोध गया का तैयार हो जाएगा तभी शुरू करेंगे, तब गया बोध गया का तैयार हो गया तो कल राजगीर और आज गया बोध गया के लिए आकर के सब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सब लोगों को हर घर उपलब्ध होगा और बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया है और सभी सारे पर्यटकों को भी हर जगह, होटल से लेकर के एक एक जगहों पर, हर जगह स्कूल से लेकर के हर इंस्टीट्यूशन तक में दिया जाएगा, तो जहाँ कहीं भी जिसकी उपलब्धता, हाँ बहुत अच्छा है। इससे अच्छा पानी पीने के लिए कुछ होगा, गंगा जल मिल रहा है ऊपर से, देखिए ना छींटा पड़ रहा है, गंगा जल ही है सर, आ रहा वही गंगे जल का है। चलिए, एक तरह से हल्का स्नाने हो रहा है। चलिए बिल्कुल, तो गंगा का जो जल है वो हम पर भी पड़ रहा है और ये तस्वीर हम आपको जोड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उस बात को दोहराया है कि गया और बोध गया को लेकर के हमारी कोशिश लगातार यही थी कि हम गया और बोध गया तक लोगों तक पानी पहुंचाए और इससे पहले जो राजगीर का काम था वो पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गया और बोध गया को लेकर के हमारी विशेष पहल थी और आज पूरी विशेष पहल जो है वो पूरी हुई है।